देखिए दीदी, इस क्षण को देखिए, यह क्षण नहीं है, इतिहास है। धरती पर जिन्होंने भ्रातृ प्रेम के इस दृश्य को देखा है वो पुकार उठे कि ईश्वर ने उन्हें नेत्र इसी सुंदर दृश्य को देखने के लिए दिए हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को इस दृश्य की कथा सुनाएगी। राम भरत मिलाप मानव संस्कृति का आदर्श बनेगा। सत्य कहा देवाधिदेव, मैं भी यह दृश्य देखकर अपने अश्रु न रोक सकी। कितने महान हैं केकई नंदन, जिन्हें ना तो राज का प्रलोभन है ना सत्ता की इच्छा। उनके लिए उनका भाई ही उनके जीवन का आधार है। धन्य है वो भाई जो भ्रातृ प्रेम के लिए सत्ता को पाकर भी सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। भ्रातृ प्रेम का चरम बिंदु तो देखिए, भरत कितनी धूमधाम से राम की चरण पादुकाओं का राज्य अभिषेक कर रहे हैं। समस्त अयोध्या उत्सव में डूबी हुई है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्तश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभं, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा दैवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति अस्तु, कल्याणमस्तु। अनुज, आज से अयोध्या की व्यवस्था के तुम उत्तरदायी रहोगे। मुझे आपका सहायक बनने में अपार हर्ष होगा भ्राताश्री। सहायक नहीं अनुज, तुम संपूर्ण उत्तरदायी बनकर रहोगे। और आप? अनुज, मैंने निर्णय लिया है कि मैं पास के नंदी ग्राम में जाकर रहूंगा और उस समय तक रहूंगा जब तक मेरे भ्राता श्री राम का वनवास समाप्त नहीं हो जाता। राज्यसभा स्थगित करने की घोषणा की जाती है। प्रणाम महारानी, धाइमा आपके दर्शन करना चाहती हैं। मेरे दर्शन? जाकर पूछो उससे कि कैकेयी के सर्वनाश में क्या और कुछ शेष रह गया है। आज उसी के कारण पुत्र राम, पुत्र वधु सीता, पुत्र लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं। उसी के कारण मैंने अपने सौभाग्य में आग लगा दी। आज उसी के कारण मैं इस वैधव्य की अग्नि में जल रही हूं। मैं नहीं जानती यदि वो मेरे समक्ष आई तो मैं उसके साथ क्या व्यवहार करूंगी। जाओ कह दो उससे कि चली जाए यहां से और फिर अपना मुख मुझे कभी न दिखाए।
मैं जानती हूं तू क्यों आई है। है तो अपनी दीदी सीता की बहन ही ना। तू भरत के साथ नंदीग्राम जाने की अनुमति लेने आई है मुझसे। हाँ माताश्री, मैं इसी क्षण से भयभीत थी। मैं जानती थी कि ये क्षण आने ही वाला है, और आता भी क्यों ना। जो पाप करता है उसे उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। मैंने कौशल्या दीदी से उनके पुत्र और पुत्रवधू को दूर कर दिया। अब ईश्वर मेरे पुत्र और पुत्रवधू को मुझसे दूर कर रहे हैं। मैंने जो बोया वही काट रही हूं। पाप करने से पहले ये सब भूल जाते हैं कि उन्हें उस पाप का फल भी भोगना पड़ता है जो मैं अब भोग रही हूं। मैं जानती हूं माताश्री, आप मेरे जाने के कारण से बहुत दुखी हैं, किंतु दुख कष्ट पश्चाताप प्रायश्चित अब तो ये मेरे जीवन के अंश बनकर रह गए हैं। मैं तो तुम्हें रोक भी नहीं सकती, मैं तो अधिकार भी खो चुकी हूं, वो अधिकार भी खो चुकी हूं। जाओ पुत्री, पातिव्रत धर्म और जनकपुरी की परंपरा का निर्वाह करो। जाओ जाओ जाओ। मैं शून्य और शून्य को जोड़कर एक बनाने चली थी, किंतु उत्तर शून्य का शून्य रहा। जिन्हें मैंने तोड़ना चाहा वो जुड़ गए। कदाचित मैं समय से पूर्व आ गई, किंतु मेरा समय अवश्य आएगा, मेरा लक्ष्य नहीं चूकेगा। स्त्रियां तब मेरा सम्मान करेंगी, तब आज की भांति एक परिवार नहीं होगा, जितने भाई होंगे उतने परिवार होंगे। आज मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ। हे काल, अब तेरा कार्य है मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। बड़ी मां, आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव। माता, अब हमें विदा कीजिए। मैं तुम्हें कैसे विदा करूं पुत्र?
मेरा पुत्र राम आंखों से दूर हो गया तो मैं सोचती थी तुम्हें देखकर जी लूंगी, परंतु तुमने भी हमसे दूर जाने का निश्चय कर लिया। नहीं माता, नहीं, नंदीग्राम कोई अधिक दूर तो नहीं है। आपका जब जी चाहे हमसे मिलने आ जाइएगा, किंतु माता हमारे भ्राताश्री तो हमसे इतनी दूर हैं कि उनसे मिलने में कल्पना के पांव भी थक जाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए बड़ी मां। देखिए देवी, दूर किसी ऋषि का आश्रम दिखाई दे रहा है। चलिए आज रात का पड़ाव वहीं डालते हैं। मार्ग में मुझे एक संत ने बताया था कि आगे कहीं ऋषि अत्रि का आश्रम है। भ्राताश्री, लगता है ये आश्रम वही है। यदि ये ऋषि अत्रि का आश्रम है तब तो यहाँ पर महासती माता अनुसुईया भी अवश्य होंगी। मुझे मेरे गुरुदेव शतानंद ने बताया था कि माता अनुसुईया ऋषि अत्रि के आश्रम में रहती हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि माता अनुसुईया सभी नारियों में श्रेष्ठ हैं। उनके दर्शन से तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे। आइए देवी। ऋषिवर, ऋषिवर, धन्य भाग हमारे, कोई अतिथि परिवार हमारे आश्रम की ओर आ रहा है और उन अतिथियों की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त होने वाला है। अनुमति हो तो हम जाकर उनका स्वागत करें और उन्हें लिवा लाएं। नहीं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त करने दो। तुम लोग संध्या वंदन की सामग्री तैयार करो। सूर्यास्त के समय भी माथे पर इतना तेज लेकर जो महात्मा अपनी ओर आ रहे हैं वो अवश्य ऋषि अत्रि ही होंगे। ऋषिवर, दशरथ पुत्र राम का, देवी सीता और अनुज लक्ष्मण का सादर प्रणाम। यशस्वी भव। आज मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आप जैसे अतिथि गण आज इस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे राम, ऋषि की आपसे एक विनती है, आप आज रात्रि इसी आश्रम में विश्राम करें। माता अनुसुईया कहां पे है? देवी, उन्होंने ही आपके आगमन की सूचना दी थी। आइए। Thank you.
देवी, हमारे बड़े भाग्य हैं, हमारे अतिथि कोई और नहीं, कौशल्या नंदन श्री राम, जनक नंदिनी देवी सीता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हैं। श्री राम, पुत्री जानकी, पुत्र लक्ष्मण, स्वागत है आपका। नहीं कौशल्या नंदन, नहीं, अहल्या का उद्धार करने वाले श्री राम के चरण तो मुझे स्पर्श करने चाहिए। क्यों माता, आप मुझसे बड़ी हैं और बड़ों के चरण स्पर्श करना छोटों के लिए सौभाग्य का विषय होता है। बड़ा आयु से नहीं, कर्म से होता है। आप तो ऋषि समाज और आश्रम संस्कृति के रक्षक हैं, भला आपसे बड़ा और कौन हो सकता है। अखंड सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। देवी, कोई जाने ना जाने, किंतु मैं जानता हूं श्री राम का वनवास ऋषि समाज के कल्याण का कारण बनेगा। शिष्यों जाओ, अतिथियों के भोजन और विश्राम की व्यवस्था करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषिवर, आपको मेरे लिए सोने की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मेरे भ्राता श्री राम का वनवास पूर्ण नहीं हो जाता, मैं एक रात्रि भी नहीं सोऊंगा। तुम धन्य हो सुमित्रा नंदन, तुम धन्य हो। ऐसा भाई केवल श्री राम का ही हो सकता है। चलो पुत्री। आओ श्री राम। आइए भ्राता श्री। पुत्रवधु, अपनी सासु माँ के समक्ष इस प्रकार श्रृंगारहीन, इतना आभूषण रहित रहना अच्छी बात नहीं है। आभूषण रहित कहा, ये पुष्प है ना? माना के पुष्प आभूषणों से कम नहीं होते। फिर जब ये सीता जैसी संसार की सुंदरतम नारी के शरीर का स्पर्श कर रहे हो, तब ये पुष्प सोने चांदी के आभूषणों से भी मूल्यवान हो गए हैं। फिर भी मेरी इच्छा है कि मेरे पास जो आभूषण है वे मैं तुम्हें दे दूं। उनका अधिकारी तुमसे बढ़कर कोई नहीं। तुम इस आसन पर बैठो, मैं अभी आई। आभूषण, इन पर तो दृष्टि ठहरना बहुत कठिन है। ये तो बहुत मूल्यवान है। तुम इन्हें पहनोगी तो इनका मूल्य और भी बढ़ जाएगा। पातिव्रत धर्म की चरण सीमा है। कहते हैं पातिव्रत धर्म आपसे आगे जा ही नहीं सकता। मुझे बताइए पातिव्रत धर्म क्या होता है? जो स्वयं सिर से पांव तक पातिव्रत धर्म की मूर्ति है, वो मुझसे पूछ रही है कि पातिव्रत धर्म क्या है।
जो स्वयं पातिव्रत धर्म की संपूर्ण परिभाषा है, वो मुझसे पातिव्रत धर्म की परिभाषा जानना चाहती है। देवी, पातिव्रत धर्म वही होता है तुम जिसका पालन कर रही हो। मैं तो केवल अपने स्वामी का साथ दे रही हूँ। पातिव्रत धर्म और क्या होता है? कहा जाता है कि धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा संकट के समय ही होती है। जो नारी संकट में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, वही पतिव्रता नारी होती है। क्योंकि यूं तो नारी के लिए पिता, भ्राता और पुत्र सभी हितकारी होते हैं, किंतु इन सब की सीमा निर्धारित है, कोई इन सीमाओं को पार नहीं कर सकता। देवी, केवल पति है जो हर सीमा पार कर सकता है, केवल पति है जो असीम सुख दे सकता है। तुम तो पातिव्रत धर्म का आदर्श हो और श्री राम अपार सुख के। महादेवी, श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, जाओ देवी। धन्य तुम्हारा रूप है, धन्य सते का प्यार, सीते तुझ में आ मिले प्यार और श्रृंगार। सुंदरता ने है गढ़ा तुझको अपने हाथ, आभूषण शोभित हुए पाकर तेरा साथ।